దక్షిణ భారతదేశానికి తెలంగాణ గేట్వే అన్నారు ప్రధాని మోదీ. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. ఏవియేషన్ రంగంలో రాష్ట్రానికి మరింత లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. సంగారెడ్డిలో పర్యటించిన మోదీ 7000 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. రాష్ట్రంలో నేషనల్ హైవేలు, రైల్వేస్, ఏవియేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నామని చెప్పారు మోదీ. बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है. कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए. आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है. इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी हैं. इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे. मैं इसी भावना पर चलता हूं. राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है. और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है. बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारों की स्थापना की गई है. ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है. इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी. इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे. इससे देश में एविएशन स्टार्टअप को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी. आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है. इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं. आज इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है. कंडी रामसन पलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है.